मैं एक फंक्शन कार्यक्रम था बॉम्बे में, मैं उसी में आया था। ये जेपी सिंह जी हमारे बड़े ही आत्मीय हैं, ये कल हमसे मिले और इन्होंने मुझे मैंने आग्रह किया इन्होंने कि आप हमारे यहाँ आइए। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता सारे लोग हमारे विधानसभा चुनाव में अपने से अपने साधन से अपने तरीके से जा कर के लोगों ने मुझे जिताने के लिए पूरी अपील की थी, तो आज मैं उसी संबंध में मैं यहाँ आया था उन्हें धन्यवाद देने की। उस संकट के मेरे समय में आप यहाँ से जा कर के मेरे चुनाव में आप लोगों ने मेरा उत्साह वर्धन किया है, मुझे चुनाव जिताने में अपनी भूमिका अदा की है, इसलिए मैं धन्यवाद देने यहाँ आया था। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर उत्तर भारतीय दिखेगा? मैं उत्तर भारतीयों से अपील करना चाहता हूँ इस देश के लिए। यह देश बड़ा ही गौरवशाली देश है और मैं चाहता हूँ कि यह देश टूटने न पाए। इसके पहले की जो सरकारें हुआ करती थी कभी, निश्चित रूप में इस देश को खंडित करने की बहुत सारी रणनीति अपनाई थी लोगों ने। आर्थिक रूप से यह देश बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, हम बहुत ही गिरे स्तर पर जा चुके थे, लेकिन निश्चित रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश में आए और आज सारे के सारे लोग जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। इसका मतलब कि वह भारत माँ जो बिलख कर रही थी, जो सोच रही थी कि देश के आज़ादी में नौजवानों ने किस तरीके से मेरी रक्षा करके मुझे आज़ाद दिलाई और आज मैं किधर फिर जा रही हूँ, निश्चित रूप में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे मतदाताओं से कि सारे लोगों ने एक साथ मिल करके इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपा है, इसलिए उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भविष्य में भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता करके इस देश की एकता अखंडता को बचाएँ और यह देश मजबूत होने की दिशा में आगे अग्रसर है, वह आगे बढ़े। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई डॉक्टर उदय सिंह जी हमारे आग्रह पे यहाँ पर आए और हम लोगों को का सौभाग्य है कि हमको इनका स्वागत करने का मौका मिला, अवसर मिला और मैं चाहूँगा कि हमेशा ही आएँ और यहाँ पे पार्टी को इनके आने से जो हम लोग को पिछले जो लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें आए थे, अपने पूरे दल बल के साथ आए थे और जो शक्ति हम लोग को मिली, जो ऊर्जा हमारे अंदर आई इनके आने से, तो वो सीट हमारी जीत कर आई 30,000 वोटों से। तो मैं चाहता हूँ कि ये बार बार आए यहाँ पर और हम लोग के शक्ति को बढ़ाएं, ताकत को बढ़ाएं। महानगर पालिका में जीत दिखेगी अब? जी बिल्कुल दिखेगी, महानगर पालिका में मैं आपको आश्वासन देता हूँ और पूरी तरह से विश्वास है मुझे कि हम महानगर पालिका में अब की बार हमारा झंडा फहराएगा और हमारा महापौर बैठेगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।